झारखंड में अगले चार दिनों तक मॉनसून सक्रिय रहेगा। मौसम विभाग की माने तो झारखंड के 18 जिलों में 13 अगस्त तक भारी बारिश के आसार हैं। इसके मद्देनजर मौसम विज्ञान केंद्र रांची की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में एक बार फिर से मॉनसून सक्रिय हो गया है, इसके कारण ये स्थिति बन रही है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अभी पश्चिम बंगाल और बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है, जो 10 अगस्त के बाद लो प्रेशर एरिया में बदल जाएगा। इसके बाद दक्षिण पूर्व मॉनसून में हवा का रुख झारखंड की ओर होगा। इसके प्रभाव से झमाझम बारिश होगी। राज्य में 69 दिन में 650.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। 1 जून से 8 अगस्त के बीच सामान्य वर्षापात 607.8 मिलीमीटर की तुलना में वास्तविक वर्षापात 650.8 मिलीमीटर है। पिछले 24 घंटों में झारखंड पे जो मानसून है वो सामान्य रहा है और कुछ कुछ जगह पे आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिली है। और जो सबसे अधिक बारिश देखने को मिली है वो 56 मिलीमीटर सुजनी देवघर में रिकॉर्ड की गई है। और जो अधिकतम तापमान की बात करें तो सबसे अधिकतम तापमान जो है 35.4 डिग्री सेल्सियस देवघर में रिकॉर्ड किया गया है और जो सबसे कम न्यूनतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में रिकॉर्ड किया गया है। अब बात करते हैं कि सिनॉप्टिक फीचर की, जो मानसून ट्रफ है उसका जो ईस्टर्न इंड है वो अभी हिमालय की तलहटी के पास में रन कर रहा है और उसका जो पश्चिमी छोर है वो अभी अपने नॉर्मल पोजिशन से नॉर्थ की तरफ है। और अगले 24 से 48 घंटों में जो मानसून ट्रफ है वो हिमालय की तलहटी पे पूरी तरह से शिफ्ट कर जाएगा, जिसकी वजह से हिमालय की तलहटी पे काफी जोरदार बारिश देखने को मिलेगी। जैसे मानसून ट्रफ जो शिफ्ट हो गया है, भारत के अधिकतर हिस्सों में जो मानसून है वो कमजोर हो जाएगा, बट जैसे झारखंड बिहार है या वेस्ट बंगाल है जो हिमालय की तलहटी से थोड़े से करीब है वहां पे इसका असर देखने को मिलेगा। और कल से झारखंड में अगले 3-4 दिनों के लिए आपको बारिश में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और साथ साथ में कुछ एक जगहों में 3-4 दिनों में आपको भारी बारिश भी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं अगले 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। तो जैसे कि सिनॉप्टिक फीचर बताया है उसके हिसाब से आज 9 तारीख में राज्य में कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी और कल से 10 तारीख से 10, 11, 12, 13 ये चारों दिन राज्य में लगभग सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। और तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान में अगले 4-5 दिनों में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। और चेतावनी की बात करें तो जैसा कि बताया कि 10 तारीख से 10, 11, 12, 13 चारों दिन राज्य में कहीं कहीं पे आपको भारी बारिश देखने को मिलेगी। 10 तारीख को जो झारखंड में उत्तर पश्चिमी भागों में आपको कहीं कहीं भारी बारिश देखने को मिलेगी। 11 तारीख में उत्तरी और दक्षिण पश्चिमी भागों में आपको भारी बारिश देखने को मिलेगी और 12 तारीख में उत्तरी भागों में और 13 तारीख में उत्तर पूर्वी भागों में आपको एक जगह पे भारी बारिश देखने को मिलेगी। और गर्जन वज्रपात की बात करें तो 9 और 10 दो दिन झारखंड में कहीं कहीं पर गर्जन और वज्रपात के भी घटनाएं आपको देखने को मिल सकती हैं। तो कुल मिला के 10 तारीख से 13 तारीख तक झारखंड में बारिश में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और साथ साथ में भारी बारिश भी देखने को मिलेगी। और बात करते हैं अब तक के मानसून के, तो 1 जून से लेके 9 अगस्त तक जो मानसून है झारखंड में वो अच्छा रहा है और अभी तक जो वास्तविक वर्षापात है वो 660.9 मिलीमीटर रहा है, जबकि इस समय का जो सामान्य वर्षापात है 617.2 मिलीमीटर है। तो अभी तक जो डिपार्चर है वो +7% है जो कि सामान्य है और आने वाले दिनों में जो बारिश को देखते हुए इसमें और बढ़ोतरी की भी संभावना जताई जा रही है। धन्यवाद।